और अब बात करते हैं रीवा की, जहां जल जंगल जमीन के संयोजक शिव सिंह ने पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने शिवराज सरकार के अंकुर वृक्षारोपण अभियान के बारे में कहा कि शिवराज सरकार ने शासकीय विभागों, नागरिकों एवं स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से प्राकृतिक ऑक्सीजन के लिए बेमौसम रीवा सहित कई जिलों में वृक्षारोपण कराया। वहीं पौधा लगाने के 30 दिन बाद पौधों की फोटो अपलोड करने पर अवार्ड दिए जाने का भी आह्वान किया गया था, मगर जमीनी स्तर पर वृक्षारोपण के कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि RTI अधिनियम के तहत वृक्षारोपण से संबंधित जानकारी मांगी गई थी, जिसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं दी गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेमौसम मार्च महीने में कराया जाने वाला वृक्षारोपण दस्तावेजों में प्रचार प्रसार तक ही सीमित रहा। कितने वृक्ष जीवित हैं और कितने मृत प्राय हो गए, उनका रिकॉर्ड जमीनी स्तर पर नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि इतने बड़े वृक्षारोपण अभियान के बाद वृक्षों की परवरिश की जिम्मेदारी किसको दी गई है। सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि योजना में बड़े स्तर पर घोटाला किया गया है। प्रशासन ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन हमने जानकारी प्राप्त किया है तो ये पता चला कि नर्सरियों से, जो वन विभाग की नर्सरी हैं और तमाम जो नर्सरी प्राइवेट भी हैं, उनसे भी इन्होंने लेने का काम किया है और रिकॉर्ड जीरो बता रहे हैं कि कोई खर्चा नहीं आया। इसको लगाने में परिवरिश की जिम्मेदारी है। बाकायदे वृक्ष आप लगाते हैं तो टी गार्ड लगेगा, तार फेसिंग होगी और वृक्ष का रूप होने तक उसकी परवरिश की जाएगी। जब तक वो वृक्ष का रूप नहीं ले लेता है, ये सरकार की मंशा है, गाइडलाइन है और यही पर्यावरण वन मंत्रालय का नारा है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान। माँ भी बच्चा पैदा करती है तो उसकी परवरिश करती है, परिवार के लोग परवरिश करते हैं, पर इतनी अंधेर गर्दी हमने नहीं देखा शिवराज सरकार में कि आप एक वृक्ष के पास खड़े हो करके, पुराने वृक्ष के पास, और 100 लोग फोटो खिंचवा लें और कह दें हमने इतना बड़ा वृक्षारोपण कराया। तो ये बिल्कुल सरासर अपराध है, अक्षम्य अपराध है। और पौधे जो भी कहीं स्कीम के तहत लगे थे वो मृत प्राय हो गए हैं, कहीं रिकॉर्ड में पौधे मौजूद नहीं। जो पेड़ लगाए गए थे, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है कि ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना है और उस योजना के तहत बेमौसम में, जबकि कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई मौसम वैज्ञानिकों का ये मानना नहीं है कि मार्च में कभी पौधे लगाए जाएंगे, 1 मार्च से 5 मार्च के अंदर पौधे लगाने की इन्होंने योजना शुरू किया। उस समय ना तो पानी है, धूप है, वृक्ष तैयार होने का कोई वही मतलब ही नहीं निकलता। उस समय इन्होंने वृक्षारोपण कराया और बड़ा बंदरबांट हुआ। हमने RTI से जानकारी लिया, RTI की जानकारी में ये बताया गया है कि जो खर्चा आया है प्रति वृक्ष, हमने खर्चा मांगा है, परिवरिश की जिम्मेदारी मांगा है, तो परिवरिश की जिम्मेदारी इन्होंने कहा कि जन सहयोग से हुई है और खर्च जो है जीरो आया है। तो इसी तरह हमने रीवा जिले सहित संभाग कर भर का मांगा है। तो इतना बड़ा बंदरबांट भ्रष्टाचार, जहां मध्य प्रदेश के सारे जो नर्सरी हैं वो खाली हो गई हों और इन्होंने ये खर्च जीरो बता रहे हैं, मंत्री विधायक से लेकर के। रीवा जिले और भोपाल जिले में कितने पेड़ लगाए गए? भोपाल में 42,000 पौधे लगाए गए और रीवा में 23,540 पौधे लगाए गए। जी।